हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से नया वीडियो, फिर से एक लाइफ की विशेष चीज। देखिए, सक्सेस जो है वो इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलती। बहुत ही लगनशीलता, बहुत ही डेडिकेशन, बहुत समर्पण, बहुत सारी मेहनत उसमें लगती है। थोड़े अमाउंट का लक भी लगता है। इन सब के बावजूद ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी लगनशीलता के बावजूद भी ऐसी सिचुएशन आएंगी जहाँ पे आपका पावर बिल्कुल फ्लॉप नज़र आएगा, कहने का मतलब आप फेलियर नज़र आएंगे। उस समय एक ही चीज़ वर्क करती है, वो होती है आपकी दृढ़ पावर, इच्छा शक्ति। वो एक ऐसी चीज़ होती है कि आपकी जो इच्छा शक्ति है फिर वो वर्क करेगी। परिस्थितियाँ जितनी भी विपरीत हो चुकी होंगी फिर वो आपके अनुकूल बना देगी और धीरे 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 आप उससे आगे बढ़ते चले जाएंगे। और कहते हैं डिजायर जब अपने चरम पे होती, पीक पे होती है, जिसको बर्निंग डिजायर कहा जाता है, तो वहाँ पे नेचर अपने रूल बदलता है। नेचर का मतलब कि परिस्थितियाँ चाहे जितनी प्रतिकूल होंगी धीरे धीरे आपके अनुकूल होती जाएंगी और वो सारी चीज़ें फिर आपको धीरे धीरे जो आपकी फेलियर है वो सक्सेस में बदल जाती। इस समय देखिए एक ही थाट दिमाग में आते हैं, वो होते हैं निगेटिव थाट्स। जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं होने वाला है, वही लोग आपके दिमाग में आएंगे जो ऐसी पोजीशन पे हार के बैठ गए। इसीलिए कहते हैं कि सफल वही होता है जो हार नहीं मानता है। बार बार हारने के बावजूद भी अपने संघर्ष को, अपने मेहनत को जारी रखता है, अंत में वही जा कर के सफल होता है। देखिए इतने सफल होने के बावजूद इतने बड़े मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन जी, उन्होंने ABCL कंपनी खोली और 400 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज हो गया, घर जो है नीलामी होने के उस पर आ गया। फिर उन्होंने धीरे धीरे उस वर्क को किया, एक दो पिक्चर की, KBC पे आए, धीरे धीरे पोजिशन को अपने अकॉर्डिंग मोड़ लिया। तो ये क्या होती है कि अगर ऐसी पोजीशन आ गई, वो ये सोचते चलो जो बैंक बैलेंस है, जो घर है, हम इससे चुका करके हाथ पैर जोड़ के बैठ जाएंगे, तो शायद वहीं से बर्बादी शुरू हो जाती। धीरे धीरे उन्होंने पोजीशन को समझा, उसको हैंडल करते हुए आगे बढ़े, धीरे धीरे उस समस्या से निजात मिल गई, मतलब छुट्टी पा गए। तो ये एक लाइफ की विशेष चीज़ होती है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है, लगभग हर इंसान के उसमें ऐसा आता है कि जहाँ सारा पावर ख़त्म हो जाता है वो होता है आपकी स्ट्रांग डिजायर होती है, जो उस समय आपको स्टैंड करके आगे बढ़ाती है और आगे बढ़ा करके फिर आपको वही चीज़ें जो है वो गेन कराती है। और ये एक ऐसा मुकाम होता है, बिल्कुल ऐसा आंखों के सामने दिखता है कि जैसे ये सारी चीज़ें दुनिया में सब कुछ हमारे लिए ख़त्म हो गया है। फिर आप देखेंगे जो आप इच्छा शक्ति से फिर से वही पावर बनेगा और फिर से वही चीज़ें आपको हासिल हो जाएंगी। देखिए इच्छा शक्ति का वो पावर होता है, किसी शराबी को आप रेगिस्तान में छोड़ दीजिए जहाँ दूर दूर तक ना कुछ हो, दुकानें तक ना हो, आप शाम को देखेंगे, पैसे भी उसके पास ना हो, शाम को देखेंगे वो टुंड मिलेगा। कहाँ से ढूंढा, कहाँ से पैसा लाया, कुछ अता पता नहीं, लेकिन शाम को आपको पिए ही मिलेगा। किस चीज़ का रिजल्ट है? एक स्ट्रांग डिजायर। कहते हैं डिजायर जब चरम पे हो, पीक पे हो, तो नेचर रूल बदलता है। परिस्थितियां हर नेचर को, परिस्थितियों को आपके अनुकूल बनाना पड़ता है। वही हाल लाइफ की सक्सेस का होता है कि कठिन समय, बिल्कुल अपोजिट समय सबकी लाइफ में आता है, लेकिन अगर वहाँ पे आपने अपने विवेक को, खासकर अपने डिजायर को स्ट्रांग रखा, तो आप देखेंगे धीरे धीरे सारी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हो जाएंगी और परिस्थितियाँ अनुकूल होने के बाद निश्चित तौर पे आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि डिजायर, देखिए हर चीज़, वही फिर से बात आती है कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, सफलता समय लेती है, बहुत सारा डेडिकेशन और बहुत सारी समस्याएं लेके आती है। जब सफलता का नंबर आता है तो कहते हैं भगवान भी आपका एग्जाम एक बार लेते हैं, क्योंकि जो जितना बड़ा काम करेगा समस्याएं भी उतने बड़े लेवल की ही आएंगी। हनुमान जी जब संजीवनी लेने हिमालय पर्वत पे गए तो पहले रास्ते में काल नेम का राक्षस मिला, फिर जब लौटने लगे
तो भरत के एक दूत ने देखा कोई राक्षस बड़ा पर्वत लेके जा रहा, उन्होंने बाण मारा, वहीं पर हनुमान जी गिर गए। तब उन्होंने सारी चर्चा सुनाई। तो जब भी आप कोई काम करने चलते हैं तो समस्याएं आना लाजमी है, कहने का मतलब परिस्थितियां विपरीत होना लाजमी है, लेकिन आप उनको अपनी डिजायर के दम पे, हनुमान जी ने भरत से कहा कि अगर सूर्योदय से पहले मैं नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचेंगे। भरत ने कहा सूर्य में ऐसा दुस्साहस कहाँ, मेरे बाणों पर बैठिए, मैं अभी तुरंत तुम्हें पहुँचा देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं भरत, इसकी जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही सक्षम हूँ, पहुँच जाऊँगा, बस आपका आज्ञा चाहिए, आपका आदेश चाहिए। तो जब आपकी डिजायर स्ट्रांग होगी, चरम पे होगी, तो आप देखेंगे आपका पावर भी उसी चरम पे धीरे धीरे पहुँच जाएगा। अगर आपकी डिजायर जो है लो होगी, आप कितने पावरफुल कर्मठ हैं, मेहनती हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन आपकी डिजायर ही नहीं होगी तो आप ना तो वर कर पाएंगे ना उस चीज़ को हासिल कर पाएंगे। तो इसी की बात यहाँ हो रही थी कि अगर आपकी डिजायर चरम पे है, स्ट्रांग डिजायर है, तो परिस्थितियाँ भी जो प्रतिकूल होंगी वो भी आपके अनुकूल आ जाएंगी और वहाँ से आपको सक्सेस मिलनी तय है।